तो कैसे बड़ी फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल चबाने पर। मेरा नाम है भामियार, वेलकम टू रोट्यूब लाइफ। तो बेसिकली हम यूट्यूबर्स की लाइफ और वो भी रोब्लॉक्स के अंदर। और मेरे को फंडा गेम का समझ में आ चुका है, मेरे को पता लग चुका है कि आप लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। और आपको ही नहीं ब्रोज, मेरे को भी ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है और उसका सबूत स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हो कि मैंने लिटरली गेम के सारे रिवॉर्ड्स ले लिए सारे। तो मतलब कि मैंने लगातार ये गेम 7 दिन खेली और एक एक दिन, हर एक दिन मैंने एक नया रिवॉर्ड जो है अनलॉक किया। और ये देखो पोर्टल, वॉइड पोर्टल खुलने वाली है मैन, वो भी 16 मिनट के अंदर। अरे यार, इसका मतलब कि ये है कि वॉइड पोर्टल के अंदर अभी जो है अपने खतरनाक वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने बिच्छूगन के बंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी मेरे को पोर्टल को फिर से खोलने के लिए 16 मिनट बाद आना पड़ेगा और मैं बार बार यहाँ पर आके इसको घंटों तक देखता रहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको कहाँ से व्यू करता हूँ। तो हम इसको व्यू करते हैं नॉर्मली, मेरे को चलना होता है यहाँ पर, यहाँ पर, अरे यहाँ पर सीक्रेट चीज मैंने खोज लिया है, यहाँ पर, यहाँ पर। और मैं अपनी UFO एंजॉय करता हूँ यहाँ से। मैं हमेशा ना मैं यहाँ पर अपना व्लॉग निकाल लेता हूँ, अपनी फोन निकाल लेता हूँ, अपनी व्लॉगिंग भी यहाँ पे चालू होती है और मैं ऐसे इसको देखता रहता हूँ। और मैं उस दिन के बारे में सोचता रहता हूँ कि मैं कब ये बाय करूंगा। प्रो कितनी मैजिकल चीज है यार। और मैंने अभी नोटिस किया कि उसके ऊपर एक काले रंग का पत्थर भी लगा हुआ है जिसके अंदर से मैजिकल चीजें निकल रही है। ब्रो यार, यार UFO तो मेरे को लेनी है ना मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, सुपर एक्सपेंसिव है। एक काम करते हैं, मुझे फटाफट से अपनी गेम तेरी, हेलो ये मेरा हॉवरबोर्ड ग्लिच नहीं करना भाई, बहुत महंगा मैंने लेकर रखा हुआ है भाई। आपको पता ना सुपर मनी मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, ले मैं फंस गया क्या। अरे यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, फटाफट से मैं लीव करके ना फिर से ज्वाइन करता हूँ। और ये गेम मेरे को इतनी पसंद आ रही है, लिटरली मैंने सोचा कि आज क्यों ना फेस कैम के साथ वीडियो बना के रखें। और इस गेम के अंदर मेरे को ना अभी एक गुड न्यूज़ मिली है और एक बैड न्यूज़ मिली है। गुड न्यूज़ बहुत ज़्यादा गुड है एंड बैड न्यूज़ इज़ वेरी बैड। लॉगी ने, ओके सबसे पहले आती है बैड न्यूज़, लॉगी ने ये गेम खेलना फिलहाल आज के लिए उसने मना कर दिया। कह रहा है यार आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, लाइक 9 ट्रिलियन। अभी 9 ट्रिलियन बंदे दुनिया में नहीं है, मैं लिटरली इस पैसे के साथ अमेरिका बाय कर सकता हूँ। तो लॉगी को ये देख के अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोला कि नहीं अभी मैं जाऊँगा अपने टाइम के अंदर ग्राइंडिंग करके, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो वो इस एपिसोड में जो है हमारे साथ वो गेम नहीं खेल रहा। और दूसरी बात पता है क्या है, गुड न्यूज ये है कि लॉगी नहीं है, लाइक ये बैड न्यूज भी है एंड ये गुड न्यूज भी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को जाना है इस घर के अंदर और मेरे को चेकआउट करना है कि आखिरकार ये UFO का प्राइस कितने का। मैं हर बारी प्राइस चेक करके ना भाग जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है यार। मैंने तो अभी तक लाइक लिटरली मैंशन भी नहीं लिया, मेरे पास फिलहाल सुपर यॉट है, इसके बाद मेरे को लेना है मैंशन, उसके बाद मेरे को लेना है प्राइवेट जेट, उसके बाद आएगी अपनी UFO जो कि आती है 100 क्वाड्रिलियन, पता नहीं कितने पैसे है, लेकिन मेरी फिलहाल हद से बाहर है। और उसके बाद आता है अपना वाइट कैसल। और मेरे को बहुत सारे बंदों ने बोल कर रखा है कि आपने जो है स्पाइडर्स को मार दिया, और वो जो AI जो एलन मस्क का जो बॉस आता है जो कि मेरे को स्टूडियो के अंदर मिलता है, मैंने उसको ही मार दिया। लेकिन मैंने वॉइड मॉन्स्टर के ऊपर अभी तक तो मैंने हाथ साफ नहीं किया। तो एक काम करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर एक बार इसके ऊपर भी हाथ साफ करके आ जाते हैं। और ये रहा अपना बेकार एडिटर, 282 ट्रिलियन कमा के दिए हैं इसने मेरे को। थू नूबड़े बंदे, जल्दी काम कर। एंड ये रहा गाइस अपना एक और स्पॉन्सर, तो ये मेरे को दे रहा है 137 बिलियन कॉइन्स एंड प्लस 103 डायमंड्स। और मेरे को गेम कौन सी खेलनी है प्लीज यार, वो अडॉप्ट अस मत बोलियो, मैं बहुत बारी खेल चुका हूँ। ओके अब की बारी हमारे पास आ चुके नए गेम जिसका नाम है प्यू प्यू। और आगे बढ़ने से पहले ना गाइस मेरे को एक और चीज चेकआउट करने, तो काम करते हैं फटाफट से, मेरे को अपना यहाँ पर हॉवर बोर्ड निकालना। और यार मेरे को यही चेक करना था कि ब्रो इस बारी हम लोग ट्रेंडिंग पर नहीं है यार। अरे भाई साहब, इसके पास कितने पैसे हैं, 123 ट्रिलियन। ए हैंग ऑन अ सेकंड, ओके फिर भी ये बंदा UFO नहीं ले सकता। ओके काम करते हैं, इसको मारते हैं गोली, फिलहाल चलते हैं फटाफट से गाइस अपनी शिप के अंदर। और सबसे पहले मेरे को बेड के ऊपर सोना, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी है अपने स्पॉन्सर वाले भैया के लिए। उसके लिए मेरे को अपना माइंड और अपनी हेल्थ एकदम फ्रेश करनी है। तो मेरी यहाँ पर जो है एनर्जी एकदम से फुल हो चुकी है, अभी मेरे को फटाफट से अंडे उंडे भी खाने हैं और उसके बाद मेरे को अपना मूड भी ठीक करना है, क्योंकि प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। पता है वीडियो बनाने से पहले एकदम से मूड एकदम से मस्त होना चाहिए। एंड गाइस ये रहा मेरा खतरनाक वाला सेटअप, एंड अभी मेरे को गेम खेलनी है प्यू प्यू। कम ऑन देन भाई, स्पॉन्सर खुश हो गया ना भाई, भाई भाई एक्स्ट्रा माल देगा वो। आई डोंट थिंक कि वो एक्स्ट्रा माल देगा, लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है।
देखो मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ, अपना फर्ज बनता है कि अपने स्पॉन्सर भैया जी खुश होने चाहिए। जितना अपना स्पॉन्सर खुश होगा उतनी उतना ज्यादा हमको काम मिलेगा दुनिया के अंदर। एंड लीजिए 95% एडिटिंग। ब्रो इतनी मेहनत तो मैंने कभी अपनी खुद की वीडियो के ऊपर नहीं की जितनी मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। ओके अभी मेरे को लगता है वादे के मुताबिक जो उसने मेरे को डील देकर रखी हुई है ना, तो डील के मुताबिक मेरे को उसके ऊपर 5 वीडियोस बनानी है और मैं एक बना चुका हूँ और उसके मेरे को मिलते हैं 560 बिलियन। भाई साहब मतलब कि मैं स्पॉन्सर भैया के लिए काम करूं या ना करूं, मेरा मीटर डाउन है, मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। एंड एक बार फिर से गाइस शहर के ऊपर जो अपने रोबोट्स हैं वो अटैक कर रहे हैं। नाइस, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को अभी रोबोट से नहीं भिड़ना। अरे बैड कमेंट्स कहां आ चुकी हैं ब्रो। चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, मैं फटाफट से ना उनको रिमूव कर देता हूँ। भाई मेरे को देखो अभी ये जो घटिया लोग हैं ना, ये मेरे को मेरी वीडियो के ऊपर जो है बैड कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर की वीडियो के ऊपर नहीं ब्रो। Come on, 99 मेरे को लेके आना है। 95, अरे यार 96, man, super close था ये। और ये मैं चाहता हूँ कि गाइज अभी आप नीचे जाके एक मस्त वाली कमेंट कर दें इसी बात पे। Come on, मेरे को आई थिंक एक और वीडियो बनानी है और एक वीडियो बनाने के बाद गाइज अपने स्पॉन्सर वाले भैया एकदम से खुश हो जाएंगे। और ठीक उसके बाद ना मेरे को अपना हॉवर बोर्ड भी एकदम से मैक्स लेवल तक लेके जाना है। मेरे पास डायमंड्स तो कुछ ज्यादा ही आ चुके हैं, तो काम करते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि जो चीज आ चुकी है ना टाइम पे उसको टाइम से ही खर्च कर दो। अरे मेरे को उसके बाद एक और वीडियो बनानी है मैन। चलो कोई बात नहीं गाइज, मैं फटाफट से ना एक और वीडियो बना लेता हूँ। कम ऑन, प्यू प्यू मेरे को गेम खेलनी है। और गाइस मेरे को पता है मेरे को बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम करो, वहाँ पर सुपर मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन मैंने भी ठान कर रखी हुई है भाई, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने मैंशन के अंदर। कम ऑन, लाइव स्ट्रीम अपनी होगी, लेट्स गो भाई। 97% मैंने कर दिया, 98% ब्रो अपना स्पॉन्सर भाई पक्का खुशी से झूम उठेगा तो पक्का। एक काम करते हैं बाहर, अरे यार मेरे को यहाँ पर नहीं बैठना, बाहर निकलने से अरे क्या कॉफी मशीन के ऊपर चढ़ रहा है, क्या पागल बंदा ये। मैं ये बोल रहा था कि बाहर निकलने से पहले थोड़ा बहुत खाना पीना गट लेते हैं, क्योंकि अगर पता हंगर वगैरह कम होगी ना तो आपकी उससे स्पीड भी कम हो जाएगी। और एक काम करता है फटाफट से गाइस, मैंने स्पॉन्सर का सारा काम तो कर दिया और अभी जाके मैं चाचू से मिल लेता हूँ। अरे मेरे को नया चैनल अभी नहीं खोलना, सारा काम डन ब्रो, थैंक यू सो मच, ऐसे आते रहना और पैसे स्पेंड करते रहना। नाइस, और तूने कितने कमाए हैं, तू भी निकाल। अब आ गए तो तेरे से भी तो पैसा लेते हैं ना भाई, इतनी मेहनत करके रखी है तो तेरे से भी तो पैसा लेंगे। एंड लीजिए ब्रोज, एक बार फिर से गाइस मैंने अपना हॉवर बोर्ड यहाँ पर निकाल लिया। और यार मैंने आज का व्लॉग नहीं किया, यो 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 गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। कम ऑन, मेरा पेट कैसे घूम रहा है मेरे साथ साथ। वैसे बाप बता रहा हूँ ये पेट है बहुत ज़्यादा क्यूट, लाइक सुपर क्यूट है। और मैंने एक और बात नोटिस की कि अगर मेरी हंगर वगैरह सारा मेरा मूड वगैरह एकदम से फुल होगा ना तो मैं लिटरली गेम के अंदर बहुत तेज भाग सकता हूँ। अरे ये मेरी जगह व्लॉग करने की, निकल यहाँ से, मैं बता रहा हूँ ये लॉबी वाली हरकतें कर रहा है। कभी कभी यार लॉबी के अंदर लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना कि मेरे को लिटरली लगता है कि मे बी लाइक लॉगी आ चुका है दूसरे अकाउंट से। और मैंने अभी नोटिस किया कि मेरा पेट बैठता भी है। अरे भाई बेचारा थक गया यार, चल बैठ जा कोई बात नहीं, आपकी बारी में भाग के व्लॉगिंग नहीं करूंगा, आपकी बारी में एक ही जगह पर खड़े होकर व्लॉगिंग करूंगा। अरे वो आ गया व्लॉगिंग करने के लिए। भाई भाई मेरी सारी मेहनत के ऊपर अभी पानी फिर जाता। तो गाइस शायद आपको पता नहीं होगा कि जितने बंदे व्लॉगिंग करेंगे ना उतना आपका प्राइस जो है डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा बंदा आखिर में आके मेरे से पूरा प्राइस हड़पने की कोशिश कर रहा है, भाई ऐसे थोड़ी होने देंगे। और अगर मैं तो डायमंड्स की तरफ देखूँ ना तो 2228 डायमंड्स मेरे पास आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं फटाफट से बैठते हैं गाइस होवर क्राफ्ट के ऊपर, होवर बोर्ड के ऊपर, और मेरे को अभी फाइनल अपग्रेड करना है। ओ भाई फाइनल अपग्रेड कितना महंगा है, 350 का मैन, लिटरली मैंने 950 डायमंड्स जो है यहाँ पर उड़ा दिए। मेरे को पता है मैंने मैथ्स के अंदर गड़बड़ कर दी है बट इज ओके, लेकिन चेक करो अपनी स्पीड भाई, ड्रिफ्टे हो रही है लॉबी के अंदर। अरे भाई 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 भाई, भाई क्या स्पीड है भाई, मैं एक सेकंड के अंदर ना पूरी लॉबी घूम के आ चुका हूँ। भाई साहब लेट्स गो,
और ये खतरनाक है। पर एनीवेज गाइस, मेरे को अभी आज की वीडियो के अंदर जाकर ना एक बारी सर्जी को भी मारना है। मेरे को पता है मुझसे होगा नहीं, लेकिन फिर मेरे को एक बार ट्राई करना। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत अपना मैं यहाँ पर पेट भी चेंज कर लूँ। यार अपनी बी थक गई होगी, इधर घर जाना था। अनइक्विप्ड एंड इक्विप्ड, लेट्स गो। ओके, अभी ना मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा मिशन करना। तो बेसिकली मेरे को पता लगा कि यहाँ पर पानी के अंदर ना खुफिया चीजें हैं और वो मेरे को डाइव करके निकालनी है, और वो मिशन मेरे को देंगे ये वाले सर जी। हेलो सर जी, डू यू वांट टू डू स्कूबा डाइविंग? अरे हाँ, मेरे को करनी है ना। और अभी स्कूबा डाइविंग वाला मिशन आसान करने के लिए हम यूज करेंगे अपना हॉवर बोट। तो बेसिकली गाइस, पानी के अंदर ना कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, अगर मैं उठा कर लेके आता हूँ ना तो मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे। कम ऑन, अरे भाई डायमंड्स भी देख रखे हैं लोगों ने, नाइस। और है क्या? अरे यहाँ पे मैप पड़ा हुआ है, प्रेस ई टू क्लिक। अरे एक्स्ट्रा डायमंड्स। ओके काम करते हैं अभी ना। अरे क्या क्या कर रहा भाई, स्पीड चेक कर रहे हो? मैं इतनी स्पीड में जा रहा हूँ ना कि लिटरली गेम से बाहर आने वाला हूँ मैं। ओके यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अरे भाई ये मोटा माल मेरे को लग रहा है यार, चेक किसको भी। अरे अरे उसने मेरे को डायमंड्स दिए लेकिन वो मेरी इन्वेंटरी में एड अप नहीं हुए। अजीब पंगेबाजी है यार, मेरे को लगा था कि माइनक्राफ्ट के अंदर ही लूट मार चलती है, लेकिन नहीं, ये लूट मार तो इसी गेम के अंदर भी चल रही है। और दूसरी बार गाइस, मैंने यॉट लेकर रखी हुई थी, तो मेरे को लगा था कि हम यॉट के ऊपर चढ़ के पूरा व्लॉग श्लॉग बनाएंगे, लेकिन नहीं, यॉट के ऊपर आप नहीं जा सकते, और यॉट अंदर घुसते ही जो है ख़त्म हो जाती है। ओके मेरे को एक और यहाँ से एक और वो लेना है यार, मैंने आई थिंक 3 लेकर रखी हुई है, मेरे को एक और लेना है। फॉर सम रीजन मेरे को 4, अबे डूब जाएगा नीचे। गेम के मैकेनिक देखिए, बंदा पानी के अंदर है फिर भी लाइक फिर भी उसके अंदर से जो है बदबू आ रही है। नाइस, वेल डन। और आई बिलीव मैंने सारे ही क्लट कर लिए यार, कम ऑन यार, मेरे को एक और दे दो प्लीज, एक और, एक और। इतना माड़ा लग अपना नहीं हो सकता। ओके लगता गया वो सारा लग चला गया। ओके रोबोट सर अटैकिंग, अभी भी गाइस मेरे पास 3 मिनट बचे हुए थे, काम करता है फटाफट से ना, मैं रोबोट का मजा चुका के आता हूँ। ब्रो आज मैं ना कुछ ज़्यादा ही लकी फील कर रहा हूँ, और आज उतरी ये वाला कुछ ज़्यादा खतरनाक लगता है मेरे को। बट एनीवे जैसे मैंने बता कर रखा ना, आज ब्रो मैं कुछ ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ, और हम अपना लक इसके ऊपर आजमाएंगे। मर जाइयो प्लीज, ठीक है मैं ज्यादा छोड़ रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन प्लीज मर जाइयो ठीक है। एक बार एक अपनी टीम भी ज्वाइन करके देखना। ओके बंदे कुछ ज्यादा ही आ चुके हैं, कम ऑन आई थिंक वी कैन डू इट नाउ। अरे यार इस पावर को डॉच करना मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, और स्पेशली जब बहुत सारे बंदे खेल रहे हो, क्योंकि पता भी लगता कि ये नूबड़ा बंदा किसके ऊपर गोलियां चला रहा है कभी कभी। अरे अपनी बुलेट को टॉच करना तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं उसकी बुलेट के सामने मैं ना आ जाऊं। Come on. Okay, ये थोड़ा बहुत इजी है। मर जा मेरे भाई, अगर ये मर गया ना तो अबे अभी ट्रेड करने का टाइम नहीं है सर। ओके मुझे इसकी ट्रेड जो है डिक्लाइन करनी पड़ेगी। हैंग ऑन अ सेकंड, मैं यहाँ पर ट्रेड भी कर सकता हूँ। हाई पिक्सल वाली फील मेरे को यहाँ पर आ रही है यार। अरे मेरे को लगा कि उसने मेरे को मार दिया। ओके लेट्स गो, मैंने सर जी बॉस को मार कर रखा हुआ है, और अभी देखते हैं क्या मिला मेरे को। 5 मिनट रेफरेंस, ये ऑप्शन मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। हैंग ऑन अ सेकंड, तो अगर अपने यॉट के ऊपर जाऊँ और फटाफट से एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखूँ तो मेरे को देखना कि एक्चुअली इससे होता क्या है। कम ऑन देन, पीपी वाली गेम खेलेंगे क्विक। 5 मिनट रेफरेंस, आई थिंक मेरे को ना इससे एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए। परफेक्ट। अरे यार कौन सा बंदा जो पीछे से तारे निकाल के भाग रहा है सामने यार, बस तू एक बारी मेरे को बताता हूँ फिर मैं तेरे को। 98%, 90%, मैन बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, 93 मेरे पास आ चुका है। और अभी मेरे को देखना कि 5 मिनट रेफरेंस से एक्चुअली होता है क्या। जैसे मैंने बता कर रखा ना, आई बिलीव इससे ना मेरे को एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलने चाहिए। और ठीक 1 मिनट and 32 seconds के अंदर जो है अपनी पोर्टल खुलने वाली है, और इस बारी मेरे को ना एक बार एक ट्राई तो करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बॉस जो है ना एकदम लेजेंडरी बंदा है। अगर ये लेजेंडरी बंदे को हमने मार दिया ना तो भाई 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 भाई, भाई हमें मोटा भाई मोटा माल मिलने वाला है। और एक काम करता है, अभी थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास बचा हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो मैं क्यों ना 1 मिनट यहाँ पर जाके व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर लूँ यार। भाई यहाँ पर विले बैठना ना एकदम से टाइम वेस्ट है, कुछ ना कुछ तो जेब के अंदर आना चाहिए। और एक और बात गाइस, यहाँ पर ना एक गुफा बनी हुई है, और हैंग ऑन अ सेकंड, क्या मैं वट्टो के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ?
ये चमक क्यों रहे हैं ये वाले पत्थर? वे व्हाट, इसके अंदर कुछ है क्या? रुको, आप भी इसको मैं नहीं खोलता, पहले मेरे को यहाँ पर जाके ना ये मिशन करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी बारी बिच्छू गैंग का साथ अपने साथ है, हम इसको डिफीट कर लेंगे, और मेरे को पता करना है कि इसको डिफीट करने पर मेरे को मिलता क्या है। कम ऑन देन, 14 सेकंड के अंदर गाइस अपनी ये पोर्टल खुलने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि गाइस 14 सेकंड के अंदर अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। यो मोहित भाई, व्हाट्स अप? एक रे बिच्छू गैंग के बंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यो 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 गाइस, है ओके, पोर्टल खुल चुकी है, लेट्स गो। आई थिंक गाइस मैं पोर्टल के फंडे आपको एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली यहाँ पर लॉबी के अंदर ना चार अंडे पड़े हैं, ये एक अंडा, अरे चकली, तो लिटरली माइनक्राफ्ट की तरह। तो यहाँ पर आपको ना चार फ्रेम देख के रखे हुए हैं, और आपने इन चार फ्रेम्स के अंदर अंडे डालने हैं, लिटरली आयो वेंडर की तरह। भाई मेरे को ढूंढने हैं, मेरे को एक मिल चुका है, मेरे को तीन और ढूंढने हैं। अरे उठा 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 उठा, नाइस 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 नाइस, हमारे पास दो आ चुके हैं, तो मेरे को दो और ढूंढने हैं। कम ऑन, छुपा के रखते हैं ये लोग। और मैंने नोटिस किया कि हर बारी ये लोग जो है अंडों की लोकेशन चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारी और बिच्छू गैंग की नजर से ये अंडे बच के जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? और इसी के साथ गाइस अपनी पोर्टल भी यहां पर खुल चुकी है, तो उसका मतलब ये है कि किसी ने चौथा अंडा ढूंढ लिया। लेट्स गो, ओ माय गॉड, देखा देखा, द वॉइड बॉयज इज द फाइनल स्टेज, द वॉइड एक्ट 2। 11 सेकंड के अंदर गाइस अपने वॉइड बॉयज की जर्नी जो है यहां पर स्टार्ट होने वाली है। कम ऑन देन, मेरे को लगता है कि मैं मार दूंगा। आई थिंक मैंने एक बारी ट्राई किया था इसको, बहुत ही बड़ा बंदा है यार ये। अरे भाई तलवार देख रहे हो यार, तो यह मैं ये बोलने वाला था कि मैंने एक बार इसको ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं मरा था। मर जाइए मेरे भाई। और मैंने सुना है, लाइक मैंने एक्चुअली सुना है, और मैंने लॉगी की वीडियो में, नॉट लॉगी की वीडियो में, मैंने लॉगी के गेम प्ले में देखा भी था कि ये बंदा जब मरता है ना, पहले तो उसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पास जो है सुपर पावर्स हैं। तो ये मेरे को सुपर पावर्स लग नहीं रही भाई, ये बेस्ती पावर लग रही है मेरे को, ले मेरे तक पहुंची भी नहीं वो पावर उसकी। लो जी, मैं लिटरली माउस का बटन मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, हाँ है पावर्स है इसके पास, वैसे पावर्स तो है उसके पास, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है यार। अबे तेरे को तो कोई भी मार दे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ही मार देंगे आज इसको। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक डील मार लेते हैं, ठीक है? देख तू वैसे ही मरने वाला है, तेरे को मारने के लिए यहाँ पर एक एक मैं दो आई थिंक एक बंदा और भी है, तो तीन बंदे चार बंदे यहाँ पर इसको मार रहे हैं, तो देख तू बचने वाला तो है नहीं, ठीक है? तू आराम से मर जा, तेरे को हम शांति की मौत मारेंगे। कहीं ये मेरे को शांति की मौत ना मार दे भाई, भरोसा नहीं है इसका, वैसे मरने वाला यार, लिटरली मरने वाला। आई डोंट थिंक ये इतनी आसानी से मर सकता है। आई थिंक मेरे को लॉगिन ने बोल कर रखा था कि इसको दो बारी मारना पड़ता, तो ये पहली बारी मर चुका है, लेकिन somehow इसकी हेल्थ अभी भी गाइस मैं नीचे देख रहा हूँ 100% है। ये फटने वाला है क्या? वाओ, होली क्रैप, होली, ओ माय गॉड, वाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आई थिंक जिस बंदे ने कुछ नहीं किया ना, सबसे ज्यादा उसको ही ठोकरा है। अरे तू गेम के अंदर घुसा ही क्यों, जब तूने कुछ करना ही नहीं है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई गेम के अंदर घुसने की? और गेम के अंदर तो घुस तो गया। व्हाट, ओह माय गॉड, मैं मरने वाला था। आई थिंक ये सबके ऊपर दो दो बार अटैक कर रहा है। तो मैं ये बोलने वाला था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गेम के अंदर घुसने की? तो गेम के अंदर तो घुस चुका है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वर्ल्ड के अंदर आने की? अभी भुगत। कम ऑन देन, ये रहा, मर जाइए मेरे भाई, मेरे को वो लेजेंडरी चीज लेनी है तेरे अंदर से। कम ऑन बिग मैन, आ आ आ, ओ भाई वो नहीं नहीं भाई साहब, स्केरी हो रहा है यार ये तो अभी। ओ माय गॉड, आई थिंक ये वन हिट, उतरी उतरी उतरी, आई थिंक ना ये लिटरली वन हिट किल है ये। कम ऑन देन, मर जाएगा मर जाएगा, आई थिंक इजी है, इतना हार्ड नहीं है, मर जाएगा।
लेकिन सम रीजन इसकी हेल्थ अभी भी 100% क्यों है यार? हेलो चाचो, अरे यार इस वाली पावर को डॉच करना बहुत ज्यादा इजी है मेरे को। अरे ये भाई, मैं अभी बोलने वाला था कि इसको डॉच करना एकदम से इजी है, लेकिन नहीं, अब इसके बंदे घूम रहे हैं यहां पर। ओह माय गॉड, मैं गया, होली क्रैप मैं गया। बाकी की गाइस लिटरली 3 बंदे खा चुका ही है, आई थिंक एक बंदा और बचा हुआ है, वो और मैं। 2 बंदे इसको मार रहे हैं, पर उस 2 बंदे इसको मार रहे हैं। अरे नहीं, होली क्रैप, ओह माय गॉड, ये क्या है? अरे ना कर भाई, डरा मत, ये कौन सा चूहे है? खतरनाक हो रहा ब्रो, खतरनाक हो रहा, सुपर खतरनाक हो रहा यहाँ पर। 50% इसकी हेल्थ जा चुकी है, 50%। लेकिन 2 बंदे सही मजा चकाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। नहीं, बच गया। अबे ट्रेड करने का टाइम नहीं है ब्रो, ट्रेड कैसे, कौन सी करूं? ब्रो तूने गलत जगह पर ट्रेड कर दी यार, मेरी उसने बैन बजा दी ट्रेड के चक्कर में। अरे यार वो लिटरली मरने वाला था मैन, मेरे को लगा था कि उसको मार करना कोई ना कोई खतरनाक वाली ओपी ओपी चीजें लेंगे वहां से यार, एकदम से लेजेंडरी वाली आइटम्स मिलेंगे, लेकिन नहीं ब्रो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आई डोंट थिंक कि जिस बंदे ने ट्रेड की थी ना उसको पता होगा कि मैं इस टाइम बॉस से लड़ रहा हूँ यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। फटाफट से ना मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसी खुशी में मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। कम ऑन देन, मैग्निफिसेंट, देख रहे हो परफॉर्मेंस, देख रहे हो क्या परफॉर्मेंस आ रही है अपनी यार। एंड कट करना एकदम से बीच में, 97% यहाँ पर आ चुका है, एंड एक बार फिर से बीच में 88%, लेट्स गो। एंड एक और, क्या बात है, क्या बात है। और गाइज मैंने नोटिस किया यहाँ पर कि अगर आपके जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे ना आपको उतना पैसा मिलेगा, और मैं फटाफट से जाकर ना एक और चैनल मेरे को यहाँ पर खोलना है। वन सेकेंड गाइज, मेरे को पता नहीं कि मैं ये सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, आई डोंट नो। लू क्या, एक काम करते हैं, अंदर जाने से पहले ये एडिटर को लूट लेते हैं, क्योंकि बाद में ये लूटने का मौका शायद जा सकता है मुझसे। ओके, प्रेस ई टू इंटरैक्ट, यू हैव 2 चैनल्स, टू स्टार्ट अ न्यू चैनल यू नीड 1.2 trillion, और मेरे पास ऑलरेडी इतने पैसे आ चुके हैं, करूं क्या? गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैं करूं कि ना करूं, आई डोंट नो। और गाइज इसके अलावा मेरे को सिर्फ 2 सेकंडों में 100 trillion करके लेके आता हूं, क्योंकि मेरे को आज की वीडियो में अपने यॉट से आगे बढ़ना ब्रो, मेरे को मेंशन तक जाना है, बस 2 सेकंडों मेरे को। ओके, तो यॉट के बाद आता है अपना मैसिव विला जो कि है 200 trillion का मैन, लेकिन चलो लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंडों में आता हूँ। Come on guys, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे लिटरली कैरेक्टर के अंदर से बदबू आ रही है, और दूसरी बात मेरा कैमरा इतना ओवरहीट हो चुका है ना कि मेरे को मजबूरन उसको ऑफ करना पड़ा, एंड वो मेरे को, मैंने उसको ऑफ नहीं किया, वो ओवरहीटिंग की वजह से खुद ही ऑफ हो गया। नाइस, कह रहा मैं जा रहा हूँ घर, तेरी वीडियो बाद में रिकॉर्ड होती रहेगी, मैं चला घर। और आई बिलीव ये अपनी फाइनल वीडियो होनी चाहिए, और ऑलरेडी ब्रोस मेरे पास आ चुके 200 trillion, लेट्स गो। और या वंस अगेन, आगे बढ़ने से पहले मेरे को अपना मूड यहाँ पर ठीक करना है, और ऐसी बासी लाइक बासी बॉडी लेके मेरे को अपने मैंशन के अंदर तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेट्स गो गाइज, और अभी चलते हैं गाइज, हम अपनी यॉट को बोलते हैं बाय बाय, एंड अभी घुसते हैं यहाँ पर और यहाँ से बाय करते हैं अपने लिए एक ब्रांड स्पैंकिंग न्यू मैंशन। आंटी कैसी है? ओके, 200 trillion ब्रोस। वैसे यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी ये भी छोटा पड़ सकता है मेरे लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इतना माड़ा भी नहीं हो सकता। बट एनीवेज, यॉट के ऊपर थे मेरे पास 9 अपग्रेड स्लॉट्स, और मैंशन के अंदर आ चुका है मेरे पास 12 अपग्रेड स्लॉट्स, और भैंस की नंबर्स, ये नंबर्स देखो तुम लोग, दिस परचेज इज नॉट रिफंडेबल, एंड लेट्स गो। एंड इसी के साथ ही ब्रोस, मैंने यहाँ पर अपना पहला मैंशन भी ले लिया, नाइस। इसका मतलब ये है कि मैं अभी अपनी यॉट के ऊपर आई बिलीव मैं नहीं जा सकता। अरे यार उन लोगों ने मुझसे मेरी यॉट छीन ली, बट इज ओके, अभी मेरे पास आ चुका है अपना बिल्कुल ब्रांड स्पैंकिंग न्यू मैंशन, और वो भी एकदम डाउनटाउन के अंदर। और ये अच्छा लॉगी है, लॉगी है क्या
नहीं लॉग इन कोई बंदा लॉग इन की ड्रेस पहन के आ चुका है। पर एनीवेज गाइस मेंशन के अंदर जाकर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है आपको पूरा मेंशन देखना और मेरे को भी खुद देखना पूरा मेंशन, और मेंशन को देखने के साथ साथ मुझे मेंशन को डेकोरेट भी करना है, और वो सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। चलिए कहते छोटी सी वीडियो के अंदर इतना काफी है, मेरे को बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।